कार्यकर्ता अपने व्यवहार से आम मतदाताओं का दिल जीते और अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उनको प्रेरित करें। मैनपुरी की जनता से मेरा निवेदन भी अपील भी है कि नेताजी ने जिंदगी भर सेवा की है लोगों की, इस बार ऐसी सेवा जनता करके दिखाए वोटों के माध्यम से कि लगे कि हाँ मैनपुरी की जनता ने नेताजी को चुन करके भेजा है। देखिए नेताजी सबके नेता हैं और ये अच्छी बात है कि सब बधाई दे रहे हैं, तभी तो बड़ी जीत होगी। बहुत धन्यवाद आप सबका। शामली में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर हमला किया। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा लोकदल और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, जो 15 साल में अपनी लोकसभा का विकास नहीं कर पाए वे देश के विकास की क्या बात करेंगे। मौर्य ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए धनराशि की पहली किस्त दी तो वे पूरे एक किस्त पाकिस्तान के 1000 किलो के बम के रूप में भेजी गई। लोकसभा चुनाव में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने और आजम खान को हराने का मिशन लेकर रामपुर पहुंची फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा ने अपने चुनाव प्रचार का आरंभ करने से पहले रामपुर के राठौड़ा स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर जलाभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर के बाहर ही चुनाव प्रचार का आरंभ करते हुए जनसभा को संबोधित किया। जया प्रदा ने कहा, यह शिव जी का प्राचीन मंदिर है और यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता है। मैंने भी रामपुर की अपनी जंग के लिए विजय का आशीर्वाद मांगा है ताकि मैं इस लड़ाई को जीत सकूँ। मंदिर है और यहाँ पे लोग माता की ओर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। तो भगवान से मैंने यही प्रार्थना किया है कि रामपुर को विकास के रूप में, रामपुर को अगर जनता की रक्षा के लिए मैंने पूरी प्रार्थना की और भगवान का आशीर्वाद। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने अपना नामांकन दाखिल करने के लिए मैनपुरी पहुंचे और यहां कार्यकर्ताओं ने नेताजी का जोरदार स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम में खास बात यह रही कि नेताजी के भाई शिवपाल यादव हमेशा की तरह इस बार भी मुलायम सिंह के नामांकन में शामिल नहीं हुए। इस दौरान नेताजी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सांसद धर्मेंद्र यादव मौजूद थे।